بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم اللهم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم پچھلے جمعے جو آیت کریمہ ہم نے پڑھی جس میں ہمیں تلاوت کا شرف حاصل ہوا اور بتوفیق الہی اس کا ترجمہ تفسیر بھی اللہ نے نصیب فرمایا تو اس میں اصول یہ تھا کہ اتباع رسالت میں اصول آخرت ہے اللہ کی رضا ہے آخرت کی کامیابی اللہ کی رضا مندی کا مظہر اور دلیل ہے تو کیا دنیاوی مفادات تمہیں اتنے عزیز ہو گئے ہیں منافقین نے میں نے عرض کیا تھا کہ بہت شور کیا کہ قید سالی کے بعد فصل آئی ہے اور پھر گرمی بڑے زوروں پر ہے سفر بہت زیادہ ہے اس طرح کی باتیں لیکن وہ کوئی بات کوئی عذر معذرت اتباع رسالت میں قابل قبول نہیں اور مسلمانوں نے پورے ذوق سے حصہ لیا بڑھ چڑھ کر ایثار کیا تنگی کا زمانہ تھا اس کے باوجود لشکر کے لیے سامان جنگ اور سامان حرب اور راشن اور ہر چیز کا سواریوں کا بندوبست ہو گیا اور پہلی دفعہ 30,000 کا لشکر جرار سرحد کی طرف تبوک کی طرف حضور کی سربراہی آپ کی خدمت میں روانہ ہوا کچھ مخلصین بھی اس میں پیچھے رہ گئے تھے جن میں 5 حضرات کے نام ملتے ہیں حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ حضرت بلال بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت مرارہ بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو خشیمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ یہ 5 حضرات بھی اس جنگ میں تبوک کے واقعہ میں پیچھے رہ گئے اور یہ حضرات محض کوتاہی اور سستی کی وجہ سے رہ گئے ان 5 میں سے آخر ذکر 2 ابو خسیمہ رضی اللہ عنہ اور ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ انہیں جب احساس ہوا کہ لشکر تو روانہ ہوگا اور ہم رہ گئے تو انہوں نے فوراً سواریوں کا بندوبست کیا اور پیچھے
चल निकले और तबूक पहुँचते पहुँचते हुजूर की खिदमत में हाजिर हो गए और लश्कर में शामिल हो गए। बाकी तीन हजरात रह गए। जो तीन हजरात रह गए थे उनकी तौबा का जिक्र भी कुरान करीम में मौजूद है। वापसी पर जब हुजूर तशरीफ लाए तो मुनाफिकीन ने तो बड़े बहाने किए और मजबूरियां बयान की, बल्कि 11वां पारा शुरू इससे होता है, ला तातज़िरुल यौम, आज बहाने न बनाओ, अल्लाह और अल्लाह का रसूल जानते हैं हकीकत को। ये तीन अशख़ास जो मुखलिसीन में से पीछे रह गए थे, इनसे इनकी तौबा का जिक्र कुरान करीम में मौजूद है, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लम ने इनसे मुकात्या का हुक्म दे दिया था। और ये हज़रात आते थे मस्जिद नबवी में नमाज़ पढ़ते थे, लेकिन कोई इनसे सलाम दुआ नहीं करता था, कोई इनसे बात नहीं करता था, कोई इनकी खैरियत नहीं पूछता था, ताकि बिलाखिर इनकी बीवियों को भी इनसे अलग कर दिया गया कि इन्हें खाना तो बना कर दो लेकिन मियाँ बीवी का रिश्ता इनसे न रखो। और गालिबन 28 दिन या इसके करीब ये वक़्त गुजरा तो फिर अल्लाह करीम की तरफ से इनकी माफ़ी और तौबा की कबूलियत का हुक्म नाजिल हुआ। ये मैं इसलिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि हम आज के मुसलमान का अंदाज़ा करें। कैद साली के बाद फसलों का साल था, सख्त गर्मी थी, बहुत लंबा सफ़र था, बहुत बड़े लश्कर से मुकाबला था, यानी वो सारे जो दुनियावी असबाब थे वो मुश्किल थे, लेकिन इताअत का हक ये है कि मुखलिसीन में से जो तीन रह गए हुज़ूर सल्लम ने उनसे भी मुकात्या का हुक्म दे दिया। कोई उनसे बात नहीं करता था, माँ बाप बहन भाई बीवी बच्चे दोस्त अहबाब कोई बात नहीं करता था, जब तक उनकी तौबा कबूल नहीं हुई। बल्कि उनमें से एक हस्ती ने तो ख़ुद को मस्जिद नबवी के सुतून से बांध दिया था, नमाज का वक्त होता तो अहबाब खोलते नमाज अदा कर लेते तो फिर ख़ुद को बंधवा लेते, और वो अरसा तौबा कबूल होने तक सुतून से बंधे खड़े रह जाते। एक मैदान जंग में जो सैकड़ों मील दूर था, हुजूर की इत्तेबा में न जाने से मुखलिसीन के साथ इतनी सख्ती की गई मिन जानिबिल्लाह और अल्लाह के हबीब की तरफ से, तो एक हम मुसलमान हैं जो हुजूर के इत्तेबा में नमाज भी अदा नहीं करते। नमाज पंजगाना फ़र्ज है, जिस वक़्त ये लोग रह गए थे और ये वाक़ हुआ था तो ये कोई तसव्वुर नहीं था कि कोई मुसलमान नमाज छोड़ दे, ये कोई तसव्वुर ही नहीं था कि मुसलमान हो और नमाज अदा न करे। अब ज़रा आप हम अपना अंदाज़ा लगाएं कि अगर हम हुजूर के हुक्म के मुताबिक अल्लाह की इबादत नहीं कर सकते, नमाज अदा नहीं कर सकते, तो हम कौन सा याद करें। और अगर यह सूरत हाल हुजूर अकरम सल्लम के सामने पेश हो तो जो सारी रात जिक्र अज़कार करते थे, एक एक रकत में ऐसे लोग भी थे जो एक एक रकत में 30 पारे पढ़ लेते थे, खुलूस के साथ सजदे करते थे, शर्फ़ साबियत से सरफराज थे, कितने गजवात में जानसारी दिखा चुके थे, एक गजवे तबूक में सुस्ती से कहाली से ये तीन हजरात पीछे रह गए। सैकड़ों मील का सफ़र भी था,
फसलें भी तैयार थीं, मुकाबला भी बड़े दुश्मन से था, अल्लाह को पसंद नहीं आया। इताअत पैगंबर में कोई बहाना कारगर नहीं है सिवाय माजूरी के। कोई माजूर है, बीमार है, लाचार है, वो उज़्र शरी है। इसके अलावा कोई मेरी मसरूफियत है, मेरे पास वक़्त नहीं है, मेरा कारोबार है, ये कोई बहाना काबिल कबूल नहीं है। तो ये तो एक जंग में सुस्ती दिखाने से इतने बड़े अकाबिल सहाबा जिनसे हुजूर भी प्यार फरमाते थे, लेकिन जब तक अल्लाह करीम की तरफ से बाकायदा उनकी माफ़ी का ऐलान नहीं हुआ, उनसे कोई बात तक नहीं करता। ये अगर आज का मुसलमान बारगाह नबवी में पेश किया जाए, जिस पर सजदा भी गिरा है, तो अंदाज़ा करें क्या कैफियत होगी। हमने आंखें बंद कर ली हैं आखिरत से और हम सिर्फ दुनिया की सहूलतें, दुनिया का आराम, दुनिया की दौलत, दुनिया की लज्जतें समेटने में लगे हुए हैं और हमें ये एहसास ही नहीं है कि ये कच्चे धागे की डोर है सांस की आमद और शुद्ध के किसी वक़्त भी टूट सकती है। दुनिया जितनी होगी सारी यहीं रह जाएगी। साथ तो वो ईमान और आमाल ही जाएंगे। तो आमाल में अगर कोई बंदा पंजगाना फ़राइज भी अदा नहीं करता तो उससे मज़ीद किस नेकी की तवक्को रखी जाए, और क्या नेकी करता होगा, क्या भलाई करता होगा। इसमें भी उसकी मसरूफियात आड़े आते हैं, नासाजी तबाह आड़े आती है, अजीब तबीयत है जिस पर अल्लाह का सजदा भी गिरा गुजरता है। ये क्या तबीयत है। तो कुरान करीम ये वाक़ियात बयान ही इसलिए फरमाता है कि हम ये आईना देखकर अपना हाल सामने रख कर अपनी इस्लाह की फिक्र करें कि अभी हम आलम अमल में हैं, दारुल अमल में हैं, अमल का वक्त है, तौबा कबूल हो सकती है, तौबा की कबूलियत का वक्त है, फुर्सत है हमारे पास। जब मौत ने ये रास्ते बंद कर दिए तो फिर क्या होगा। फिर दूसरी बात की तरफ तवज्जो दिलवाई कि लोगों, अगर तुम मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ न देना चाहो तो बिगड़ेगा तो कुछ नहीं। तुम्हारी वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम नहीं फैल रहा, तुम्हारी वजह से दीन कायम नहीं है। वो जिसका रसूल है वो उसका मुआविन भी है, मददगार भी है, रखवाला भी है, और जिसने ये दीन नाजिल फरमाया वो खुद इस दीन का मुहाफिज भी है और इसे फैला भी रहा है। इल्ला तंसुरूहु फ़क़द नसरहुल्लाह, तुम्हारे सामने वाक़ियात मौजूद हैं। अगर तुम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तआवुन नहीं करना चाहोगे, आपके साथ जिहाद में नहीं जाओगे, आपकी खिदमत आली में अपनी खिदमात पेश नहीं करोगे, अगर तुम तआवुन नहीं करोगे, फ़क़द नसरहुल्लाह, तो वो वक़्त याद करो जब अल्लाह ने उनकी मदद फरमाई। जब मुशरिकीन मक्का ने उन्हें शहर से निकलने पर, हिजरत पर मजबूर कर दिया था, इज़ अखरजहुल्लज़ीन कफरू, जब कुफ्फार ने इतना मजबूर कर दिया हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि आप हिजरत फरमाने पे मजबूर हुए और हिजरत फरमाई, तो किस तरह मजबूरी और बेबसी में निकले। सहाबा को हुक्म दिया हबशा चले जाओ, फिर हबशा में से वापस आए मक्का मुकरमा, दोबारा हजरत हबशा हुई, दो दफ़ा हबशा गए,
फिर मदीना के लोग जाकर मक्का मुकर्रमा में उन्होंने मदीना मुनव्वरा के अनसार ने इस्लाम कबूल किया और दावत दी, मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ ले आए। तो हुज़ूर ने मुख्तलिफ सहाबा को मदीना मुनव्वरा हिजरत करने की इजाज़त दे दी। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी कई दफ़ा इजाज़त चाही कि हुज़ूर मैं हिजरत कर जाऊँ, फरमाया नहीं अभी नहीं, खुद हुज़ूर भी वहाँ रहे। ता आके मुशरिकीन ने अपनी एक मजलिस कायम की कि इस किस्से को किसी तरह निमटाया जाए, इसे ख़त्म किया जाए, यह दिन ब दिन बढ़ रहा है और अगर मुसलमान यहाँ से हिजरत करके मदीना मुनव्वरा जा रहे हैं या हबशा जा रहे हैं तो ये बात ख़त्म तो नहीं होगी, ये जहाँ जाएंगे वहाँ भी कोई बात इनके हम नवा लोग बन जाएंगे तो ये बात फैलेगी, तो इसे ख़त्म किया जाए। मुफस्सिरीन कराम, इसमें अक्सर मुफस्सिरीन ये वाक़या लिखते हैं कि जब ये मजलिस इकट्ठी हुई तो दारुन नदवा में, तो वहाँ शैतान भी इंसानी शक्ल में, इबलीस खुद शरीक हुआ। तो तजवीज़ ये पेश की गई कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस तरह मुसलमान हिजरत कर रहे हैं, हुजूर सल्लम को भी शहर बदर कर दिया जाए, मक्का मुकर्रमा की हुदूद जहाँ तक कुरैश का दायरा इख्तियार है उस वादी से बाहर निकाल दिया जाए। जब इस पर राय ली गई तो वो एक बुज़ुर्ग आदमी, बूढ़े आदमी की शक्ल में था। किसी ने पूछा तुम कौन हो, उसने कहा ना शेखुन नजदीयुन, मैं एक नजदी बुज़ुर्ग हूँ। तो उसने कहा भाई तुम्हारी राय तो ठीक है, तुम यहाँ से तो निकाल दोगे, लेकिन जो दावत वो यहाँ दे रहे हैं जहाँ जाएंगे वहाँ भी देंगे, तो जो दीन वो लाए हैं वो तो फैलना शुरू हो जाएगा, तुम्हारे शहर से निकालने का फ़ायदा क्या होगा, वो तो बात फैलना शुरू हो जाएगी और फिर एक वक़्त आएगा कि उनके पास इतनी ताकत हो जाएगी कि तुमसे शहर भी ले लेंगे। उन्होंने कहा ये तो इन बुज़ुर्गों का मशवरा सही है, ये नहीं दूसरा तरीका कोई सोचो। फिर सोचा गया कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी एक घर में कैद कर दिया जाए, सुबह शाम खाना दे दिया जाए, कोई बंदा ना आपके पास आने पाए ना जाने पाए ना मिलने पाए, तो यूं जो उम्र बाकी है आप सल्लम की वो उस कैद तन्हाई में गुजर जाए, ताँ के आप दुनिया से रुख्सत हो जाए और ये किस्सा ख़त्म हो जाए। अक्सर लोगों ने इस पर भी इत्तेफाक किया, लेकिन जब वो शेख से नजदी से पूछा गया तो वो कहने लगा तुम लोग समझ नहीं रहे हो बात को, जब इसके मानने वाले कुछ हबशा चले गए हैं, कुछ मदीना मुनव्वरा चले गए हैं, तो वो मेहनत तो करते रहेंगे और तुम कैद भी कर दोगे तो एक वक़्त ऐसा आएगा कि इसके जानसार तुम्हारे साथ लड़कर तुमसे छुड़ा ले जाएंगे, तो ये तो कोई हल नहीं है। ये बात भी उनके दिलों को लगी कि ये भी बात तो ठीक है, फिर क्या किया जाए। तय ये हुआ कि मुतफर्रक कबाइल हैं मुशरिकीन मक्का के, तो हर कबीले का एक नौजवान लिया जाए जो फ़नून जंग का माहिर हो। तो ये सारे जवान जो हैं ये जब हुजूर इस्तराहत फरमाएं तो आपके घर को घेरे में ले लें, और सुबह जब हुजूर बेदार होकर बाहर निकलें तो शहीद कर दिए जाएं। अब हर कबीले का एक जवान होगा, 20-25 लोग होंगे, कोई पता नहीं किसकी तलवार से हुजूर शहीद हुए, तो जाहिर है इन सारे कबीलों से बनू हाशिम फिर बदला तो नहीं रखेंगे, बात खून बहा तक आ जाएगी, सारे मिलके जो भी उन्होंने कहा खून बहा तक अदा कर देंगे और बात ख़त्म हो जाएगी। तो इस पर
शैतान भी मुत्तफिक हुआ कि ये ठीक बात है। नहीं देखो अल्लाह की कुदरत देखे ना, हुजूर आराम फरमाने चले गए, मुशरिक नौजवानों ने घर मुबारक को घेरे में ले लिया, तलवारें सौंत लीं, तब अल्लाह ने हुक्म दिया मेरे हबीब अब हिजरत करो। अल्लाह को अपनी शान भी दिखाना थी कि मैं अपने हबीब का रखवाला हूँ, इंसानों का मोहताज नहीं है। इंसानी दुनिया और वसायल में तो इतना ही था जितना अब मुशरिक कर चुके, जब वो सब कुछ कर चुके तो हुक्म हुआ मेरे हबीब अब हिजरत कर जाओ। आपको इल्म था पहले, आपको तैयारी का हुक्म दे दिया गया, आपने सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु को बताया था, उन्होंने सांडनियों का भी एहतमाम फरमाया, राशन का भी, जितना सरमाया घर में था वो भी सारा आपने ले लिया, और इस इंतज़ार में थे हुजूर ने फरमाया कि मैं और तुम इकट्ठे जाएंगे हिजरत करेंगे। तो जब वो बड़े मुस्तैद होकर खड़े हो गए, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु भी आपके साथ मुकीम थे, आप उठे, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को फरमाया कि मेरे बिस्तर पर आप आराम फरमाएं, सुबह जब उठेंगे तो मेरे पास मुशरिकीन की अमानतें हैं। यानी इस सारी मुखालफत के बावजूद वो हुजूर ही को अमीन समझते थे और अपनी अमानतें रखते थे। तो हुजूर ने फरमाया कि मेरे पास इन कुफार की जो मेरे पे तैयार हैं इनकी अमानतें हैं, ये रख लो, जब सुबह उठोगे तो ये जिस जिस की आपने फरमाया मैं बता देता हूँ, उनको लौटा देना मेरी तरफ से, और तुम भी वहाँ आ जाना मदीना मुनव्वरा हमारे पास। आपके इस इरशाद में ये खुशखबरी मौजूद थी कि आपका भी बिगड़ेगा कुछ नहीं, आप खैरियत से उठेंगे, अमानतें अदा करेंगे और फिर खिदमत आली में मदीना मुनव्वरा पहुंच जाएंगे। चुनाचे हुजूर को हुक्म हुआ, हुजूर निकल खड़े हुए, आयतुल कुर्सी तलावत फरमाते हुए हुजूर घर से बाहर तशरीफ़ लाए, मुशरिकीन के पहरादारों के दरमियान से गुजर गए, उन्हें कोई समझ नहीं आई, सीधे सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु के घर को रौनक बख्शी, वहाँ से दोनों हजरात रवाना हुए। एक फ़ारसी में मंजूम तारीख़ है, अल्लामा बाज़ल ईरानी हुए हैं, शिया उलमा में बहुत बड़े फाजिल हुए हैं और शायर भी बहुत पाए के थे, तो उन्होंने एक तारीख़ इस्लाम लिखी है फ़ारसी में, जो सारी मंजूम है, शेरों में है, इतनी बड़ी किताब है, सारी शेरों में है, उसका नाम है हमले हैदरी। तो वो उस अहद की तारीख है, उसमें अल्लामा बाज़ल भी लिखता है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने घर से तैयारी फरमाई, आपके ग़ुलाम को भी पता था, तय ये हुआ कि गारे सौर में जाकर शब बसर फरमाएंगे, आगे कासे उसका रहनुमा का इंतज़ाम किया गया कि जो वहाँ से मदीना मुनव्वरा के रास्ते की रहनुमाई करेगा, वो भी गैर मुस्लिम था, उजरत पर लिया गया, दो सांडनियाँ अच्छी तैयार की सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने, आपकी बच्चियों ने खाना बनाया, हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हा ने हुज़ूर का खाना और जो सरमाया सैयदना सिद्दीक अकबर ने वो दो पोटलियाँ बांधी, तो आपका वो जो दुपट्टा था उसे आपने फाड़ कर दो टुकड़े करके उनसे बांधा, उसी रोज़ से उनका लकब ज़ुन्नताकैन, दो दुपट्टों वाली हो गया। तो वहाँ से जब चले
مدینہ مکہ مکرمہ کے پہاڑ بڑے سنگلاخ اور زمین بڑی سخت ہے. عجیب بات ہے, جن لوگوں کو اللہ نے یہ سعادت بخشی ہے وہاں حاضری کی, وہ جانتے ہیں کہ نرم سے نرم جوتا بھی پہن کر مکہ مکرمہ کی زمین پہ چلتے رہو تو پاؤں کے تلووں میں خون جم جاتا ہے. تو علامہ بازل کہتا ہے, چورفتم دو چندی زدا مانے دشت, قدوم فلک سایہ مجروح گشت. کہ بیابان میں, پہاڑی علاقے میں تھوڑا ہی سفر کرنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدوم مبارک زخمی ہو گئے. قدوم فلک سایہ مجروح گشت. سیدنا ابوبکر صدیق نے عرض کی, یا رسول اللہ, آپ کے تو پاؤں مبارک زخمی ہو گئے ہیں تو آپ میرے دوش پہ تشریف لے آئے. علامہ بازل بھی لکھتا ہے, ابو بکر آنگاہ بدوشش گرفت. ابو بکر نے اس وقت ان کو کندھوں پہ اٹھا لیا, اپنے کندھے پہ اٹھا لیا. ابو بکر آنگاہ بدوشش گرفت, ولے این حدیث است جائے نہفت. لیکن کہتے ہیں یار, یہ بات بندے کو حیرانگی میں ڈال دیتی ہے کہ درکس چنا قوت آمد پدید, کے بارے نبوت توانت کشید. کہ کسی شخص میں اللہ نے اتنی طاقت بھر دی کہ وہ نبوت کا بوجھ اٹھا کر اس پہاڑ پر چاہ رہا ہے. دنیاوی اسباب فرمایا سارے کافروں نے مکمل کیے تھے, لیکن کیا میرے نبی کی ہجرت کو روک سکے؟ نہیں روک سکے, کچھ نہیں بگاڑ سکے. اس وقت تم ساتھ تو نہیں تھے جو غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے, تم ساتھ تھے؟ یہ 30,000 کا لشکر ساتھ تھا؟ نہیں تھا, لیکن اللہ نے حفاظت فرمائی اور فرمایا الا تنصروا ہو, اگر تم مدد نہیں بھی کرو گے, فقد نصرہ اللہ, تو اللہ نے پہلے بے شمار دفعہ آپ کی مدد فرمائی. اور وہ موقع یاد کرو, اس اثر جب الذین کفروا, جب کافروں نے آپ کو شہر چھوڑنے پر, ہجرت پر مجبور کر دیا تھا, جب حضور نے ہجرت فرمائی. ثانی اسنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. تو دو مئی کا دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار میں تھا, دونوں غار میں تھے, جب آپ اپنے ساتھی سے فرما رہے تھے لا تحزن, میرا غم نہ کر, ان اللہ معنا, اللہ ہم دونوں کے ساتھ. یعنی پہلی تو یہ عجیب بات دیکھیں کہ ایک وقت ایسا بھی آیا پہاڑ سے اٹھا کر غار ثور تک جانے تک, کبھی اللہ آپ کو لے جائے, اللہ سب کو لے جائے, تو غار ثور پر کھڑے ہو کر نیچے نظر کریں تو بڑی لمبی, بڑی مشکل, بڑی اونچی پہاڑی, جہاں سے حاجی چڑھتے ہیں وہ تو راستہ بنا ہوا ہے, جدھر سے حضور تشریف لے گئے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے کاندھے پہ سوار, نرے پتھر, بڑے پتھر, کوئی راستہ نہیں, رات کی تاریکی تھی, لیکن جہاں اللہ کی رہنمائی ہو سارے کام ہوتے ہیں. یہ لمحات وہ تھے کہ وجود اقدس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق دوش ابو بکر سے تھا اور زمین بھی ابو بکر کے پاؤں چوم رہی تھی, حضور کے قدم مبارک زمین پر بھی نہیں تھے. یہ عجیب سعادت ہے کہ وہ ہستی جو کائنات کے لیے, سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے, وہ ہستی جو آپ اللہ کا آخری پیغام لانے والی ہے, وہ جو ختم الانبیاء, امام الانبیاء, امام الرسل ہے, نبیوں رسولوں کی امام ہے, وہ ساری برکات ابو بکر صدیق کے کندھے پر تھیں. اور کائنات کو بھی اگر برکات مل رہی تھی تو ابو بکر صدیق کے پاؤں مبارک سے مل رہی تھی. کیسے عجیب لمحات.
फिर फरमाया गार में तशरीफ़ ले गए तो गार भी देखी जाए तो इतनी बड़ी वसी जगह नहीं है, छोटी सी जगह है, वो मुश्किल अंदर बंदा बैठ सकता है। मुशरिकीन भी सुबह उन्होंने खोजी बोजी लिए, जब उन्हें पता चला सुबह हुई हजरत अली उठे तो उन्होंने कहा भाई ये तुम कहाँ, कहा क्यों, मोहम्मद कहाँ है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्होंने फरमाया पहरे पर तुम थे, तुम्हें पता होना चाहिए कहाँ है, मैं तो सो रहा था मुझे क्या पता कहाँ तशरीफ़ ले गए, बाहर तो पहरे तुम दे रहे थे, तुम्हें पता होना चाहिए, सारी रात जागते रहे नंगी तलवारें लेकर अब मुझसे पूछते हो। शर्मिंदा हुए, फिर इनाम मुकर्रर किए, जो बताएगा पकड़वाएगा इतने ऊँट देंगे, ये होगा वो होगा, फिर पूरा अपने बंदे तैयार किए, फिर खोजी लिए, फिर नक्शे कफे पा तलाश करते हुए चल पड़े। और अरब में खोजी अब भी बहुत होते हैं, अब भी मैं पुलिस की मदद करते हैं, और अरब के खोजी बहुत मशहूर हैं, वो इस हद तक अंदाज़ा लगा लेते हैं पाँव के निशान देख कर के इस बंजरे के सर पर बोझ भी है, इसकी एक आँख में नज़र कम है, वो अजीब अजीब चीज़ें वो तलाश कर आज भी कर लेते हैं, ये जानवर फलाना गुजरा है, इसका इसमें ये ऐब है, इसमें ये खूबी है, वो नक्शे पास से ढूंढ लेते हैं। तो आज भी चोरी डाका को हो जाए तो अरब की पुलिस खोजियों पे डिपेंड करती है, वो तलाश कर लेते हैं। वो खोजी भी ले गए और सही खुरा तलाश करते करते गार के दरवाजे पर पहुंच गए। अब छोटा सा गार है, कोई लंबा गार नहीं है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं कि मैं बैठा था, हुजूर मेरी गोद में सर मुबारक रख कर आराम फरमा रहे थे, लेटे हुए थे, और मुझे घुटनों तक को मुशरिकीन की टांगें सामने नज़र आ रही थी, फिर रहे थे, आप उनकी बातें सुनाई दे रही थी। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक बड़े परेशान हुए, इस अखरज उल्लज़ीन कफरु सानी यसनैन इस हुमा फिल गार, दो मैं का दूसरा, दोनों जब गार में जलवा अफरोज थे, यानी दुनिया में दो मैं का दूसरा, कि दुनिया में सिर्फ दो हस्तियां ऐसी हैं जो तमाम आलम से अलग शान रखती हैं, अव्वल उनमें मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और दूसरा अबू बकर सिद्दीक, सानी इसने। अल्लामा मरहूम ने रुबाई कही थी ना, आ अमन्ना नास बर मौलाए मां, हुजूर अपने बीमारी आप पर थी जब जिसमें हुजूर का विसाल हुआ, तो जलवा अफरोज हुए मस्जिद नबवी में, और फरमाया किसी ने मुझसे कुछ लेना देना हो तो अब तय कर ले, किसी ने मुझसे कुछ लेना है तो ले ले, और फरमाया लेकिन एक शख्स का हिसाब मैं नहीं कर सकता, और वो है अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला, उसको मुआवजा अल्लाह करीम ही देंगे कि उसकी जान उसका माल मैंने बदरे बेदरे माल इस्तेमाल हुआ, इस्लाम पर ही सारा खर्च हो गया, जान इतना कुछ उन्होंने कुर्बान किया है कि उसका मुआवजा उन्हें अल्लाह देंगे। इसी बात को अल्लामा मरहूम ने लिया है कि आ अमन्ना नास बर, वो जिसके बहुत जिसने सबसे ज़्यादा खिदमत की हमारे आका की, आ कलीम वादिय सीनाए माँ, दौलत ऊ किश्त मिल्लत राचूं अब्र, सानिय इस नैनो गारो बदरो कब्र। ये दो में का दूसरा भी अबू बकर, गार का सानी दूसरा भी अबू बकर, बदर का सानी भी अबू बकर, और कब्र मुबारक का सानी भी अबू बकर से। अजीब फजीलते हैं अंबिया में, इब्राहिम अलैहिस्सलाम नबी, इसहाक अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम नबी, यूसुफ अलैहिस्सलाम नबी,
यूसुफ अलैहिस्सलाम नबी, याकूब अलैहिस्सलाम नबी, इसहाक अलैहिस्सलाम नबी, इब्राहिम अलैहिस्सलाम नबी, चार पुश्तें मुसलसल नबुव्वत है। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हो खुद सहाबी, वालिद सहाबी, बेटे बेटियां सहाबी, पोते सहाबी, चार पुश्त सोबत है मोहम्मद रसूल। कोई एक वली कामिल हो तो मशायख फरमाते हैं कि सात पुश्तों तक उसकी औलाद के खून में वो तासीर जाती है, बिगड़ भी जाए तो बेदीन नहीं होते, अल्लाह अल्लाह न भी करें तो कुछ अल्लाह की अजमत का एहसास बाकी रहता है, जीन्स में खून में सफ़र करती है शह, जिसकी चार पुश्तें सहाबी हों। जब दोमे का दूसरा उनके साथ था गार में, तो जब बहुत घबराहट महसूस की सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने, हुज़न, हुज़न कहते हैं महबूब के रंज को, दुख को, ज़ाती रंज को नहीं। ज़ाती ख़तरा अपनी जान का हो तो उसे खौफ कहते हैं। सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम यूसुफ अलैहिस्सलाम के हिजर में रोते रोते आंखें सफ़ेद कर दी, तो अल्लाह करीम फरमाते हैं वब यज़्ज़त तैनाहु मिनल हुज़्ने, यूसुफ के रंज में इतना प्यार था कि यूसुफ के यहाँ हुज़्न इस्तेमाल हुए, उनकी रो रो कर आँखें सफ़ेद हो, यहाँ भी हुज़्न इस्तेमाल हुआ। अब हुज़ूर सल्लम ने अबू बकर सिद्दीक को मुखातिब करते हुए फरमाया ला तहज़न, मेरी फिक्र न करें, परेशान ना हो, क्यों? फरमाया इन्नल्लाह मअना, यकीनन अल्लाह हम दोनों के साथ। यहाँ बात आ गई मईयत बारी की, ये बड़ी अजीब बात है। ये दो, इसीलिए दो हस्तियां कुरान ने फरमाया दो में का दूसरा, कि सिर्फ दो हस्तियां हैं जिनमें एक हुजूर की ज़ात सतुदा सफ़ात है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और दूसरे अबू बकर, दोनों वो इकट्ठे थे। इन दोनों की क्या ख़ास खसूसियत है, ये इस मईयत बारी से वाज़े हो जाती है कि मईयत अमूमी हर ज़र्रे कायनात को हासिल, मईयत ही का शोबा खालिकियत है, उस पैदा फरमाता है, मईयत ही का शोबा है कि मुख्तलिफ़ चीज़ों को मुख्तलिफ़ तासीरें अता करता है, मुख्तलिफ़ वक़्त तक हयात अता करता है, फिर उसे फना करता है या बाकी रखता है। ये सारे करिश्मे मईयत ही के हैं, और ये मईयत अमूमा है, जैसे फरमाया वहुवा मगाकुम ऐना मा कुंतुम, तुम जहाँ कहीं भी हो अल्लाह तुम्हारे साथ है। ये मईयत हर ज़रे को हासिल है, शजर व हजर को हासिल है, चरिंद व परिंद को हासिल है, सब्ज़े और घास को हासिल है, फूल और फल को हासिल है, दरिया व समुंदर को हासिल है, ज़मीन व आसमान अर्श को हासिल है, हर उस छोटे से छोटे ज़र्रे को जिसको अल्लाह ने तकलीफ़ फरमाया उसे ये मईयत अमूमी हासिल है। ये है मईयत अमूमी। काफिर का वजूद भी तो अल्लाह का दिया हुआ है, और उसका उसने बाकी रखा हुआ है तब है, ये भी उसी मईयत का हिस्सा है, और मलाइका फरिश्ते नूरी मखलूक भी उसी की मखलूक। अब इससे ऊपर एक मईयत है जो सिर्फ मोमिन को नसीब है। मोमिन को जो मईयत नसीब है उससे उस पर मारफत बारी के दरवाज़े खुल जाते हैं, अल्लाह को पहचानने के, अल्लाह को मानने के, अल्लाह का इकरार करने के, अल्लाह की नाफरमानी से बचने के, अल्लाह की इताअत करने के। ये उस अमूमी से एक दर्जा ऊपर है। अब इसके बाद मईयत खासा है, वो अहलुल्लाह को हासिल है, हमारे साथ ही जीते बसते खाते पीते हमारी तरह ही रहते हैं,
लेकिन अल्लाह का साथ उन्हें एक ख़ास तरीके से नसीब होता है, उनके दिलों में नूर होता है, उनके दिलों में तजल्लियात बारी होती हैं। जैसे फरमाया गया सीमाहुम फी वुजूहिम, उनके चेहरों पे अल्लाह की तजल्लियात रक्सां होती हैं। ये मैयत ख़ासा होती है। लेकिन यहाँ एक कैद लग गई वलीअल्लाह को, मैयत ख़ासा तो नसीब होती है लेकिन उसमें मैयत ज़ाती होती है अल्लाह करीम की तरफ से, वली की तरफ से या इंसान की तरफ से उसका वस्फ होता है, कोई सिफ्त होती है। जैसे इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, अल्लाह इन्नल्लाह उधर ज़ाती मैयत है, मअस्साबिरीन इधर सिफ्त इंसानी है, सब्र है, नेकी पे कायम रहना और गुनाह के करीब न जाना। फरमाया ऐसे लोगों को मैं मेरी मैयत ज़ाती नसीब है, यही वलायत है। इसी को हम औलिया अल्लाह, ऐसे इस सिफत के जो हामिल होते हैं उन्हीं को वलीअल्लाह हम कहते हैं। इन्नल्लाह मअल मुहसिनीन, जिसमें सिफत एहसान है, यानी इंसान की सिफत है उधर मैयत ज़ाती है। इसका मतलब यह है कि खुदा ना खास्ता अगर वो सिफत ज़ाया हो जाए, सब्र ज़ाया हो जाए या एहसान ज़ाया हो जाए, मैयत से महरूम हो जाएगा। इससे ऊपर का दर्जा है मैयत का अंबिया अलैहिस्सलाम का, क्योंकि अंबिया मासूम अनिल खता होते हैं, अंबिया से गुनाह का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता, गलती का इम्कान नहीं होता। दायमी नेकी वरा तकवा मिसाली और दायमी होता है, तो मैयत अखसल ख़ास उन्हें हासिल होती है, लेकिन वहाँ मैयत सिफाती हो जाती है। मैयत दायमी होती है अम्बिया को, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम फरमाया इन्ना माया रब्बी सजादीन, मेरे पास साथ मेरा रब है, मेरा रास्ता वहाँ अल्लाह की तरफ, रब की सिफत आ गई माया रब्बी। इसी तरह फरमाया फिरौन के साथ बात करो, इन्नी माकुमा अस्मा वारा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ। यानी नबी की मैयत दायमी होती है लेकिन उधर मैयत सिफाती हो जाती है, मैयत जाती नहीं, मैयत सिफाती है। कुरान करीम में जहाँ भी देखें तो वहाँ मैयत के साथ कहीं रब का लफ्ज आया, कहीं देखने सुनने का, कहीं मदद करने का, मैयत सिफाती हो जाती। जब बात आती है इन दो हस्तियों की, अंबिया में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लम, गैर अंबिया में आदम अलैहिस्सलाम से लेकर, आदम अलैहिस्सलाम की औलाद से लेकर क़यामत तक आने वाली इंसानियत, नबियों के बाद जो है उसमें अबू बकर सिद्दीक, ये दो हस्तियां मुनफरद हैं जिनको मैयत ज़ाती और जिनकी ज़ात को मैयत ज़ाती हासिल है। यानी न उधर सिफ्त है न इधर सिफ्त है, इन्नल्लाह माना अल्लाह हम दोनों के साथ है। उधर इन्नल्लाह अल्लाह की ज़ात, उधर सिफात नहीं है, इधर माना हम दोनों के साथ है, इधर भी कोई सिफात नहीं है। यानी दो ज़ातों के साथ ज़ाते बारी की मैयत जो इस कायनात में नसीब है वो सिर्फ़ ये दो हस्तियाँ। फरमाया दो में का दूसरा भी हुजूर के हमरा काब था। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाहु अल्लाहु Allahu Allah Allahu 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 Allah। हज़रत अमीर मोहम्मद अकरम आवान मद्दे ज़िल्लतुल आली दारुल इरफान मिनारा ज़िला चकवाल में सालहा साल से कुरान और हदीस के ऊपर खिताबात कर रहे हैं और सिलसिले नक्शबंदिया उवैसिया के मुताबिक लोगों को जिक्र इलाही की तरबियत दे रहे हैं।
وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں، ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں، اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں دو مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔